अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। आज मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ फैसलाबाद से नरान। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा मौसम है। रास्ते में ये आप चेक कर सकते हैं व्यूज़, और बहुत ही कह लें कि पंजाब में तो गर्मी है, फैसलाबाद बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है। 46-47 टेम्परेचर है, लेकिन ये मानसरा से आगे टनल में इंटर होते हुए यहाँ पे मानसरा से आगे ठंडी हवाएँ, बहुत ही प्यारी और ठंडी ऐसी हवाएं जैसे बंदा जन्नत में फेरा शुरू हो जाती है। माशाल्लाह ये हुकूमत ने अच्छा काम किया हुआ है टनल बना के, बहुत ही प्यारा है। 1-2 किलोमीटर का जितने भी है, लेकिन साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ सुथरा टनल है। और इसके बाद ये आगे हम टनल से निकले, टनल से निकल के यहाँ से तकरीबन कह लें कि मानसरा का रास्ता थोड़ा सा ही सफ़र है मोटरवे से उतरते हुए। ये मोटरवे से उतर गए हैं, यहाँ पे अभी आप देख ले पहाड़ों पे लोगों ने गंदम काश्त की हुई है, और बादल हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा है बिल्कुल। ये मानसरा से मोटरवे उतर के जब हम जा रहे हैं कगान को, बालाकोट से कगान, फिर आगे नरान। ये अब ये जो सड़क जा रही है ये मानसरा से बालाकोट का रास्ता है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त हैं, बहुत ही खूबसूरत है, दिल करता है बंदा इधर ही रह जाए। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग नहीं हैं मरी जैसे लोग, बिल्कुल भी नहीं हैं, ठीक लोग हैं, इज्जत से बुलाते हैं। ये हम पहुँच गए हैं बालाकोट, ये आप आबादी देख सकते हैं। साथ दरिया कुनहार है अपना जो आ रहा है वो ऊपर से बबसर टॉप से, और बहुत ही प्यारा मौसम है। और माशाल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत दिलकश नज़ारे से नवाजा, ये रब की कुदरत है और इसको हम जुटा नहीं सकते। ये बालाकोट से अब हम जा रहे हैं आगे कगान की तरफ, और रास्ते में ट्रैफिक थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, लोगों का इतना रश नहीं है, और रेट भी ठीक है। रास्ते में ये अब कुवाई वाटरफॉल आया, यहाँ पे अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपका मज़ा नहीं है। ये होटल है, होटल का खाना भी बहुत अच्छा, कुवाई वाटरफॉल के साथ ही होटल है, बिल्कुल मुनासिब रेट है इनका। इसका पानी इतना शदीद ठंडा है, इस वक्त पंजाब में जबकि 47-48 टेम्परेचर है, और इसका पानी इतना शदीद ठंडा है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा पानी में खड़े नहीं हो सकते, आपके पाँव सुन्न हो जाएंगे। या कुवाई वाटरफॉल से आगे कगान जाते हुए रस्ते में आपको इसलिए सब चीज़ों का बता रहा हूँ क्योंकि जो अच्छे पॉइंट है, अच्छे होटल हैं, वहाँ पे आप रुक के खाना खा सके। ये कुवाई वाटरफॉल के साथ ही बिल्कुल होटल है, बड़ा होटल है काफ़ी। इसका अंडा पराठा माशाल्लाह बेहतरीन, जैसे पंजाब का अपना फैसलाबाद जैसे होटल में जैसे हम खाना खाते हैं, अच्छा पंजाबी इस तरह का। ये कगान जाते हुए रस्ते में है चाइनीज़ की मेरे ख्याल है रहायश, ये ब्रिज आ गया, ये ब्रिज से गुजरते हुए ये है जी दरिया कुनहार, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, दिलकश नज़ारे हैं। अगर कोई बंदा नहीं गया नरान कगान, मैं तो उसे मशवरा दूंगा जाएं, ये देखें ये बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। ये कगान में हम इंटर हो गए हैं तो हमें बर्फ़ वाले पहाड़ दूर से नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और ये बाबूसर टॉप के पहाड़ हैं बर्फ़ वाले। ये हम पहुंच गए हैं नरान में, नरान का ये होटल है। जब हम पहुंचे हैं तो ये हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बादल थे, बहुत ही शदीद किस्म की ठंड है इस वक्त। ये सामने पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो रही है और नरान बाज़ार में ये हो रही है हल्की हल्की ज़ालाबारी, बारिश कह लें। यहाँ पे जब हम पहुंचे थे तो किसी ने भी जो है ना वो स्वेटर या जैकेट नहीं पहनी हुई थी, लेकिन पहुँचते साथ ही हमने स्वेटर जैकेट ली। ये अब बादल आप चेक करें क्या नज़ारा है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है, माशाल्लाह सासा कहते जाएं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, और भी मज़ीद वीडियो हैं इस तरह की। हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बिल्कुल, और ये सामने होटल है। एक बात मैं आपको बता दूं, नरान में 5,000 का आपको अच्छा मिल जाएगा रूम। ये रात का टाइम है, नरान बाज़ार में रश चेक करें आप, बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारे। दुकानों के रेट भी मुनासिब है, मरी जैसा नहीं कि जैसे मरी में लोगों ने लूट मचाई हुई है, बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और आपको मैं मशवरा दूंगा
ये लें जी, फिर पार्टी शुरू हो गई है, ये दोस्तों ने पार्टी, होटल में ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब इंजॉय कर रहे हैं। ये देख लें जैकेट, कितनी मोटी मोटी जैकेट इन्होंने पहनी है। और जबकि फैसलाबाद में आप देख लें, पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, कितनी गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी है। ये सुबह उठते ही सैफल मलूक की तरफ जाते हुए नरान से तकरीबन नरान बाज़ार से 2-3 किलोमीटर फासले पर चढ़ के यहाँ पे जीप मिलती है, लेकिन जीप मिली नहीं हमें क्योंकि हम लेट 9-10 बजे हो गए थे। तो फिर हमने अपनी वो जो जिस गाड़ी पे हम आए थे उस पर हम बक्सर टॉप की तरफ जा रहे हैं। बक्सर टॉप के रास्ते में ये बर्फ़ है, स्नो है, ग्लेशियर है, ये साथ साथ पिघल रहे हैं और बहुत ही ठंड है। जो ये वाला पॉइंट है, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने कहा था कि मेरी वीडियो लाजमी लगाओ, मैं अगर चलें ठीक है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको बर्फ़। ये देखें, चेक करें ग्लेशियर, कैसा ग्लेशियर है, खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मौसम है यहाँ पे। और बर्फ़ कह लें कि फुल 2 मंजिला बर्फ़ है आगे। ये मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे, और ये हूँ जी मैं आपका प्यारा मुदस्सर हुसैन। आप देख सकते हैं फुल जैकेट पहनी हुई है, नीचे से भी शर्ट पहनी है, ऊपर से भी शर्ट पहनी है। यहाँ पे रास्ते में बहुत दुश्वारी हुई थी, कोई इंतज़ाम नहीं हुकूमत की तरफ से कि कोई ट्रैफिक वाला भेज दें, कम से कम ट्रैफिक ही खोल दें। या आप ग्लेशियर चेक कर सकते हैं, डबल डबल स्टोरी ग्लेशियर है, कम से कम इतनी बर्फ़ है। ये नरान से बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए रास्ते में है, लोकल ट्रांसपोर्ट भी जाती है, मानसहरा से मानसहरा तक मोटरवे पे जा सकते हैं, वहाँ से आगे लोकल ट्रांसपोर्ट पे आप जिधर मर्जी जाएं। आजा आजा, ये बाटा कुंडी से पीछे है और बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए जहाँ तक हो सकेगा हम जाएंगे। आगे रास्ता बंद है, अब तो शायद खुल गए रास्ते, ये नहीं जी चेक कर लेंगे अगर। इसके बाद थोड़ी थोड़ी धूप निकली है बारिश के बाद, लोगों का रश है, लोग ये चेक करें, लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये माशाल्लाह पॉइंट देखें आप, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, यहाँ पे ज़रूर रुकना है आपने। ये नरान से बाबूसर टॉप जाते हुए रास्ते में आता है बाटा कुंडी से 3-1 किलोमीटर पहले, 3 किलोमीटर पहले पॉइंट आता है। सॉन्ग वगैरह मैंने इसलिए रिमूव कर दिए हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते सॉन्ग सुनना। ये कह लें कि चश्मा बह रहा है माशाल्लाह, और ये लें फिर हमारी अदाकारियाँ भी देख लें। इस वक्त पानी बहुत शदीद ठंडा है, लेकिन क्या करें, शौक ने पाउंड भी सुन कर दिया, बूट भी ख़राब कर दिया, और बाद में फिर पूरा 1 घंटा पाउंड सुन रहे ठंड के मारे, इतना शदीद ठंडा पानी। आपने लाजमी इस जगह पे रुकना है बाटा कुंडी से पहले। और ये अगले दिन हम झील सैफल मलूक पे जाते हुए, क्योंकि पहले दिन हमें जीप नहीं मिली, अगर आपने झील सैफल मलूक पे जाना होता अच्छा है तो आपसे गुजारिश है आप 6 बजे सुबह उठ के जीप वालों से रब्ता कर लें, आपको मुनासिब कीमत पे ले जाएंगे। रश के दिनों में 4000 रेट है, वैसे आम जो रेट है 2500 से 2800 इतने में मान लेते हैं, रश के दिनों में 4-5000 से कम नहीं मानते। ये लें ये आज के झील सैफल मलूक के नज़ारे हैं, और ये वापसी पे आपको हमारे टूर में मजा आया नहीं? ये हम जीप पे बैठे थे तो झील सैफल मलूक पे जा रहे थे, तो ये अब हम वहाँ से, अब हमने नरान सारा बाज़ार देखा, नरान देखा, झील सैफल मलूक देखी, बाबूसर टॉप तक गए, ठीक है, लेकिन रस्ते बंद था, वापस आ गए। ये अब हम नरान से वापस जा रहे हैं बालाकोट, बालाकोट से हमने गाड़ी डाली है कश्मीर को, और ये कश्मीर का इलाका है, आज़ाद कश्मीर का इलाका है मुजफ़्फ़राबाद। ये मुजफ़्फ़राबाद शहर है, आप देख सकते हैं वो सामने ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत आबादी है माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें और तरक्की दे दिन रात। आज़ाद कश्मीर की तरफ बालाकोट से रास्ता जाता है, वहाँ से पहले नरान से बालाकोट आए, बालाकोट से आज़ाद कश्मीर की तरफ रास्ता ऊपर लिखे हुए हैं कौन किस किस साइड पे जाना होता है। तो ये मुजफ़्फ़राबाद है, अल्लाह ने इसे बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है,
चारों तरफ पहाड़ हैं, मौसम भी बहुत प्यारा है और शहर भी आप चेक कर लें, नहर नदी नाले डैम भी बने हुए हैं इसमें, वो देखें ये सामने रोड है, ये देखें चेक करें मौसम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वेदर है। गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाएं क्योंकि कोई रास्ते में वो नहीं लगे हुए बैरियर जिससे आपकी गाड़ी सेव हासिल हो, ये छोटे छोटे से बने हुए हैं बस, इससे कुछ गाड़ी को कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी आपने गाड़ी अपने इतिहास से स्लो चलानी है जितनी हो सके, और कोशिश करेंगे अच्छा ड्राइवर लेके जाएं, ये ना कोई निकम्मा ड्राइवर आप उठा लें। ये सामने आप पहाड़ चेक कर सकते हैं, खूबसूरत अल्लाह खूबसूरत नज़ारे माशाल्लाह, साथ साथ माशाल्लाह भी कहते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो को, ये लाजमी कर दिया करें, आपके शेयर करने से सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ जाता है, बंदा फिर और वीडियो भी डालता है। बाकी इसके अलावा अब हम ये आज़ाद कश्मीर नीलम वादी में पहुंच गए, नीलम वैली कह लें नीलम वादी कह लें, ये होटल है और ये चौधरी साहब और ही बैठे हुए यार इंजॉय कर रहे हैं। ये लें ये एक होटल है, बहुत ही प्यारा होटल है, मुनासिब मिल गया था, 3000 रुपये का एक रूम मिला। हम तकरीबन ग्रुप में 14-15 लोग थे तो हमें ये 9000 में पूरे 3 रूम मिल गए थे, साथ ये बालकनी वगैरह सब कुछ टेरेस वगैरह मिला। ये ब्रिज के ऊपर हम चेक करें नज़ारे अल्लाह के, ये कश्मीर से कंडाल शाही वाटरफॉल तक गए हैं। कंडाल आपने सुना होगा यहाँ पे एक हादसा भी हुआ था बच्चे को बचाने के लिए, यहाँ के मुकामी रहायशी ने वो बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन वो जो मुकामी रहायशी है उन्होंने बच्चा था वो ये सारे दोस्त हैं जो माशाल्लाह कश्मीर वगैरह वैसे भी बहुत ही खूबसूरत अंदर ने जो ऐसे कहते हैं खूबसूरत नज़ारे खूबसूरत है। पाकिस्तान को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कर लोग पाकिस्तान में कदर नहीं करते, अब इतनी खूबसूरत जगह पे कौन नहीं आना चाहेगा। मैं आपको फिर इस जगह का नाम बता दूँ, ये कंडाल अबशार है, आज़ाद कश्मीर में कंडाल अबशार, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ना पता चले वो अपना क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं, मेरे पूरे YouTube चैनल पे नंबर लिखे हुए हैं, नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा ऑनलाइन काम है कपड़े का बहुत ज़्यादा, ये सुने आप जी आज़ाद कश्मीर खड़ा हूँ और सुनाए आप ठीक ठाक हैं, जम्मू कश्मीर जी ये देखें जम्मू कश्मीर है, ये इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है, अमृतसर भाई इधर आए हुए वो देखिए अपना पाकिस्तान का झंडा वो सामने, ये वो हमारा पाकिस्तान और हमारे कश्मीर का झंडा। कैसे हो ठीक है ना, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से जम्मू कश्मीर इंडिया की सर्विस शुरू हो गई है, ये देखें ये जम्मू कश्मीर है और ये पाकिस्तान, ठीक है आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये एक दरिया का फासला और तो सारे निकल पाती ये सुफियान में जम्मू कश्मीर है क्या आज़ाद कश्मीर है साइड वाला, जम्मू कश्मीर और दो इस साइड वाला ये आज़ाद कश्मीर, अच्छा और किधर अजय किधर वो जो पैदल जा रहा है ये मलक अजय और सनी देवल, ये वो सनी देवल जा रहा और ये हमारे टूर का सबसे सुस्त तरीन सुता आया बंदा कह लो, इसकी नींद नहीं पूरी हुई, 4 दिन हो गए सोया ही वो, ये देख लें ये इंडिया की कोस्टल आ रही है, ये देख ये उनकी टूर वाली कोस्टल है,
ये पूरा जी, शुक्रिया। यहाँ पे सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।